टोंक के घंटाघर चौराहे पर नगर परिषद की गाड़ियों से सभी सरकारी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया और इसके बाद जिला कलेक्टर के शर्मा, एसपी आदर्श सिद्धू, एसपी विपिन शर्मा और डिप्टी सौरभ तिवारी ने शहर की सड़कों पर घूमकर लोगों को कर्फ्यू की पालना करने की हिदायत दी। टोंक में कर्फ्यू जारी है और डोर टू डोर सप्लाई के लिए 60 पुलिसकर्मी यहां पर लगाए गए हैं और इसी के साथ ही 30 पुलिसकर्मी बैंकों पर भी तैनात किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रह सके। ये रणनीति बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो ताकि यदि इस तरह के कोई संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका हम उपचार करवा सकें। अभी नया जो हमारा एपी सेंटर बना है कुमारों की चौकी और बमोर गेट, उन दोनों क्षेत्रों में हमारी ये रणनीति है कि उसके नियर कॉन्टैक्ट हमने पहले लिए हैं, फिर उसके नज़दीक वाले और उसके मोहल्ले वाले भी हम साथ के साथ उनके सैंपलिंग करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सैंपलिंग करवा के यहाँ से भिजवा सकें और यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो हमें पता लगे और हम आगे की रणनीति।